वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और यहाँ पर है शेफ शाहिना शुमाइल। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम सभी, हाउ आर यू? कैसे हो? अच्छा जी, आज क्या डिश बन रही है? बहुत हो गया ना गोश्त। गोश्त बकरा ईद अब गुजर गई है, थोड़ा अब हल्का हाथ रखे गोश्त के ऊपर। अब बताएं आज डिश का नाम क्या है और शेफ शाहिना क्या बना रही है? यस जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेफ शाहिना शुमाइल, गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस HDTV। और चलते हैं अपनी डिश की जानिब। और डिश का नाम मैं बता दूं, आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल, और वेजिटेबल का नाम है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और बहुत यमी ये सब्ज़ी होती है और बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी होती है, तो आप लोगों ने ज़रूर बनानी है और इन्जॉय करना है। और ये बताएं कि कैसी गुजरी आप लोगों की ईद और कितना कितना गोश्त कितना खाया है, इनको बता दें। एग्जैक्टली अच्छा जी, नहीं जी। वैसे मैंने देखा इस दफा लोगों ने, लोग अब यूज्ड टू हो गए, अब उनको एहतियात का भी मालूम हो गया। लेट्स सी, हम लोग अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और बताएं क्या क्या है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास वन बिग साइज की अनियन है जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है, ठीक है। शिमला मिर्च, क्योंकि आलू शिमला मिर्च की सब्जी है, तो 250 ग्राम मेरे पास शिमला मिर्च है और 250 ग्राम मेरे पास आलू है। इन दोनों को मैंने स्मॉल क्यूब्स में कट किया है, ठीक है। और अदरक लहसुन चॉप्ड मेरे पास मौजूद है, और टोमेटोज मेरे पास चॉप मौजूद है। थ्री मीडियम साइज के ये टोमेटोज हैं। और अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, अपने स्पाइसेस के बारे में, तो हाफ टेबल स्पून मेरे पास कुटी लाल मिर्च है, और तलहार मिर्च है, इसका कलर बहुत प्यारा आता है, तो 1 टेबल स्पून मैंने तलहार मिर्च ली है। ज़ीरा मैंने लिया है, यहाँ भुना कुटा धनिया लिया है मैंने, और हल्दी ली है और सॉल्ट लिया है, बहुत माइनर। घर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं मसाले वही यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, सब्ज़ी जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर होती है, तो कोशिश किया करें उनको ज़्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा ना पकाएं कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज खत्म हो जाए। लेट्स सी, बिस्मिल्लाह रहमान, ओवर कुक नहीं करेंगे हम अपनी वेजिटेबल्स को। अच्छा, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम इसके अंदर अपने प्याज को ऑयल हमने डाला हुआ है 1/4 कप यहाँ, और जो मीडियम कीवी स्लाइस थी तो वो मैं यहाँ शामिल करूंगी, ठीक है। और ये मैंने प्याज शामिल करी है। अच्छा, प्याज को भी हमने बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, ठीक है, सौते जैसे हल्का जी। ओके, हमने पिंक करना है प्याज को, डार्क ब्राउन नहीं करना। ओके, अच्छा, जब तक हमारी यहाँ प्याज हो रही है तो मैं बताती चलूँ आप लोगों को, वेजिटेबल्स जो है इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। और जो कैप्सिकम है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करती है। ये हरे कपड़े, हरे कैप्सिकम है, ये शिमला मिर्च, ये हरी मिर्च है, ये क्या है यार, तुम्हारी मिर्च ये इन्होंने अपने कपड़ों से मैचिंग करके शिमला मिर्च। अच्छा, मुझे पर्सनली ग्रीन कलर बहुत अट्रैक्ट करता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। वैसे फेवरेट तो जैसे पिंक कलर है जो आप वेयर की हुई हैं, और इस वक्त बहुत प्रिटी लग रही हैं पिंक कलर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है। मतलब वो कुछ लोग कहते हैं ना कि बस चले तो स्काई को भी पिंक कर दें, तो इस हद ये बच्ची शायरा हो गई। सोचो कुछ शायरी का भी प्रोग्राम होना चाहिए। होना चाहिए, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है। हमारे मुल्क के बड़े नामवर शायर हैं, और अभी भी माशाल्लाह मेरे प्रोग्राम में काफ़ी सारे शायर आए हैं और शायरा आई हैं, और बड़ी प्यारी प्यारी उन्होंने अपनी नज़में और अपने दिल की बातें और हमारे दिल की बातें की हैं। बहुत मज़ा है, मेरा दिल करता है एक हो जाए, एक निशस्त हो जाए, से एक मुशायरा हो जाए, जबरदस्त मुशायरा में निशस्त कुछ मुशायरा एक प्रॉपर तरीके से, जैसे बोलते हैं कैंडल जल रही है, खुशबू आ रही है, और बड़े प्यारे प्यारे। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी शायरी, बहुत ज़बरदस्त है। हम लोग असल में बाज़ोक अभी मैंने अदब में ख़त्म होता चला जा रहा है, लेकिन अभी दोबारा से इसको बड़े भरपूर अंदाज में, अब तो व्हाट्सएप ग्रुप और मुशायरों का इंतज़ाम, मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, सभी बात ये होती है कि जो शायरी होती है ना, और जो शायर होते हैं वो नेचर से बहुत करीब होते हैं, तो वो ये नेचर से नहीं, इधर से बहुत करीब। अच्छा, उनके दिल में है, दिल में है, इतने दुखी होते क्यों है पता नहीं वो दिल लोगों की। अच्छा, लोगों की भी एक हंसी कर रहे होते हैं जब वो अपनी शायरी बयान कर रहे होते हैं ना, ये कहाँ कुकिंग में शायरी डाल दी। अच्छा, नेक्स्ट जल्दी जल्दी करें हम लोग। अच्छा, बहुत हो गया, सोते जल्दी। हाँ, बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा हम इसको और करेंगे। आप अभी इसका कलर चेक कर सकते हैं, देखें अभी जो है ना, हमने इसको और थोड़ा सा पिंकिश ब्राउन की तरफ लेके जाना है, और हम इसको और देख के जल्दी जल्दी से, बस ये फटाफट से बनती है अपनी। और जब तक मैं बताती चलूँ आपको कि स्पाइसेस का थोड़ा सा बता दूँ कि 250 ग्राम मैंने शिमला मिर्च ली थी, 250 ग्राम मैंने यहाँ पे पोटैटोज लिए थे, आलू लिए थे, और टोमेटोज मैंने 3 लिए थे,
और फ्रेश मैंने जिंजर गार्लिक अच्छा, लिया है, डलेगा ये अदरक जी वाला जी, थोड़ा सा ये एक मिनट और हम इसको करेंगे इसका कलर, ताकि प्याज का जो कच्चापन है और वो काफी हद तक हो जी गया। जी थोड़ा सा बस एक सेकेंड ठीक है ओके, इसको हम अच्छा अब हाँ, लाइव शो है ना, हम लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना होता है। अच्छा मुझे आप एक स्पून दें। यस ये लीजिए जी। अब आप देख सकते हैं ये प्याज हमारी इस स्टेज पे आ गई है और ये चॉप अदरक लहसुन जो मेरे पास था मैं यहाँ पर मैंने ये शामिल किया है ठीक है। बाकी जो अदरक है ये हम ऊपर से गार्निश करेंगे और ओके। आप धनिया भी पुदीना भी, ये बहुत अच्छा, ये अभी सीजन चल रहा है जी तो जरा सा लोग वायरल में भी हो रहे हैं, बुखार बहुत जल्दी हो रहा है बहुत, मेरा खुद लिटरली गला इतना, मैंने अभी ये बकरीद की दावतें चल रही थी सभी उसमें वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली ना, हम लोग जी रेस्ट नहीं कर रहे ना और फिर रेस्ट नहीं कर पाए और आपको पता है कि तो उस वजह से जो है पूरा गला। अच्छा ये मैंने अदरक लहसुन को इसके अंदर प्याज के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब्ड हो गया और ये चॉप किया हुआ है ना तो जल्दी हो गया ठीक है जी, तो ये हो गया। अच्छा साथ साथ मैं अपने जो है ना इसके अंदर सॉरी आलू डालूंगी ताकि आलू फ्राई हो जाए। अच्छा आप इस टिप को करें कि आपने आलू जो है ना उसको फ्राई कर लें, जैसे कि अगर मैं टमाटर पहले डाल देती ना सभी तो आलू फ्राई नहीं हो पाते और जब आलू फ्राई नहीं होते ना, अगर आप अपनी सब्जी को फ्राई करके जैसे आलू को बनाएंगे ना तो उसका फ्लेवर अलग आएगा और बहुत अच्छा सा आएगा, तो थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं वो सॉगी नहीं होंगे ओके ठीक है। तो आप इसको फ्राई करेंगे, हमने ये आलू यहाँ फ्राई करें ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये मसाले डालने हैं या पहले टमाटर डालें? हम टमाटर डालेंगे। अच्छा ये भी एक अलग से, अब हम लोग हमेशा पहले मसाले ऐड जी जी जी, इसकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है और देखें आप प्याज भी ना आलू के साथ साथ फ्राई हो गई है, जो कलर हम चाह रहे थे ना ये सारा कलर उसका आ गया ठीक है। अच्छा ये अदरक लहसुन प्याज और आलू हमारे फ्राई हो गए और ये टमाटर मेरे पास मौजूद है। एक साथ प्याज और टमाटर को नहीं डाल सकते कि दोनों एक साथ फ्राई हो? डाल सकते हैं लेकिन उसका फ्लेवर, क्योंकि प्याज टमाटर जो है ना वो अपना वाटर रिलीज कर देते हैं तो उससे नहीं, अगर प्याज और आलू की बात कर रही हूँ नहीं, फिर प्याज का कलर कच्चा थोड़ा सा कच्चापन आ जाएगा उसमें ठीक है। तो ये अब हम इसमें अपने झटपट से ये इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, वन बाय वन बताते जाएंगे और उसको छोड़ तो ये और बहुत झटपट से ये सब्जी है ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे जीरा ठीक है जी, जीरा ठीक है, जीरा यहाँ हमने शामिल करा है, हाफ टी स्पून मेरे पास जीरा था ठीक है, और भुना कुटा धनिया जो था वो हमने शामिल करा है क्रंच किया जी। अच्छा उसके बाद तो मैंने हल्दी शामिल करी है ओके ठीक है, ये हल्दी यहाँ शामिल हो गई है, ऐड हो गई है हल्दी और हम इसको ये थोड़ा सा स्पून चलाएंगे, इसका कलर चेक कर सकते हैं आप ओके। ठीक है अच्छा ये तलहार मिर्च, कुटी लाल मिर्च और सॉल्ट, यस ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल कर दिए। ये जब भी प्याज जलता है ना मुझे ये गाना याद आ जाता है शबनम और नदीम का, थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो थोड़ा थोड़ा घी चमचे से उसको हिलाते जाओ जी। अच्छा सभी आप देखें तलहार मिर्च जो डाली है उससे फ्लेवर कितना अच्छा, ये जो मिर्चों की बात करती है ना तो मैं कहती हूँ ये क्योंकि इसका 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 जो है ना वो मिर्च नहीं लगती, ये सिर्फ कलर्स के लिए होती है ये वाली मिर्च। ये वाला आपके मुंह से सुन रही हूँ सच में। अच्छा अगर आप इसी लाल मिर्च डालेंगी ना और तलहार मिर्च डालेंगी तो उसमें हाफ डिफरेंस आएगा मिर्चों का ठीक है। अब ये हमारी शिमला मिर्च यहाँ ऐड हो गई है, स्टीम पे रख देंगे। अब हम इसको स्टीम पे रखेंगे और थोड़ी सी अदरक जो है मैं ये इसमें यहाँ पर ऊपर से डालूंगी। बात है क्या बात, और ये हमारे पास ग्रीन चिलीज थी कढ़ाई वाली मिर्च है क्या बात, ये मैंने इसमें शामिल करी है ठीक है। और ये अब हम रख दी, स्टीम देंगे इसको मैक्सिमम आपने इसको 15 मिनट्स पकाना, 15 मिनट्स कुक करना क्योंकि ओवर कुक नहीं करेंगे। लव यू, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त इन्होंने, आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, इनको फीडबैक दीजिएगा। फेसबुक है जी, फेसबुक पेज है शेफ शाहिना शुमाइल के नाम से, यूट्यूब पेज यूट्यूब चैनल है शेफ शाहिना शुमाइल के नाम से, वहाँ जाएं अपना फीडबैक दें, बताएं कैसी लगती है आपको रेसिपी। लेट्स सी, चलें जी हम यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सनी के साथ।